तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर थर्ड को, यानी यूनिट नंबर थर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिन जिन टॉपिक्स को आपको लिखना है बाय द रेफरेंस बुक ऑफ शिवानी। और ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट के पास फिजिकली अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी है तो आप इन वीडियोज को देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ऑलरेडी दो यूनिट को हमने पहले ही कवर अप कर लिया है, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट का जो कि आपको लिखना है वो है आपका साइबर क्राइम एंड इंडियन आईटी एक्ट 2000, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लिखना, इसको आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, क्योंकि साइबर क्राइम आज के दौर में एक बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो उन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, एक मिलान से आपको पढ़ना है, और सारे पैराग्राफ को ब्रेक करके पॉइंट में चीजों को लिखना है, ताकि आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपके सामने चीजें क्लियरली दिखेंगी और आपको चीजें याद करने में भी आसानी होगी। ओके, उसके बाद आईटी एक्ट के अंदर ही आपको इसके फीचर्स भी लिखने हैं, फीचर्स में चार पांच पॉइंट आपको लिख जाएंगे। उसके बाद आईटी एक्ट 2000 के अंदर ही उसके फीचर्स के बाद उसी के अंदर एक सब हेडिंग आपको बनाना है, जिसमें लिमिटेशंस आपको लिखना है। जो भी लिमिटेशंस हैं, सारे लिमिटेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये लैंग्वेज, इस बुक का लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बेधड़क गूगल की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ साइबर लॉ की जरूरत इंडिया में क्यों है, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें जरूरत क्यों होती है साइबर सिक्योरिटी की, यानी बेसिकली उसका नीड क्या है। तो उसका नीड आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, आप उसके पूरे प्रोसीजर को, पूरे फंडामेंटल्स को यहाँ पे देख के अच्छी तरीके से उनको समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो टर्म है वो पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या होता है, और हैकिंग टर्म के अंदर ही आपको क्या करना है, जो भी हैकिंग के टूल्स होते हैं जैसे आपका पासवर्ड गेसिंग हो गया, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हो गए, और भी आपका मेलिशियस प्रोग्राम हो गया। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है आपका टीनेज वेब बंडल्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, और काफी छोटे छोटे टॉपिक्स से इनको कवर अप करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तो सारे पॉइंट्स को लिखने हैं, साइबर फ्रॉड एंड साइबर चीटिंग भी आपको लिखने हैं। ओके, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको लिखते चलना है, और इन चीजों को क्वेश्चन नंबर 10 को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आप मूव करिएगा, जिसमें ईमेल अब्यूज आता है, ये ईमेल के माध्यम से किस तरीके से अब्यूजिंग की जाती है, कौन कौन से उसके अंदर फंडामेंटल्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, सारे फैक्टर्स आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, सारे फैक्टर्स को आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है हरासमेंट क्या होता है, उसी के साथ साथ आपके जो भी अनदर आईटी एक्ट है वो आईटी एक्ट यहाँ पे आपके दिए गए हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, क्योंकि आईटी एक्ट से रिलेटेड ये टर्म है, तो इस टर्म को पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओके, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कई बार मैंडेटरी पेनालिटीज आ जाते हैं एक टर्म, तो इस टर्म के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद जो आपका ज्यूरिसडिक्शन होते हैं वो टर्म है, तो इसको आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको कौन सा टर्म लिखना है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइबर क्राइम के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके मदद से साइबर क्राइम को क्या किया जाता है, टैकल किया जाता है, तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, सारे पॉइंट्स में चीजें दी गई हैं, आप पॉइंट को पढ़िए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको आपको क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ लेने हैं, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से देख लेना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको पॉइंट वाइज देख के लिख लेना है, ताकि पॉइंट वाइज दिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टर्म आपके साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो साइबर क्राइम में कॉपीराइट क्लेम भी आता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ये इतने टॉपिक आपके लिए सफिशियंट है, यूनिट नंबर थर्ड का इतना ही टॉपिक है जिसको आपको कवर अप करना है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।